ऑलराइट फ्रेंड्स, नाउ अपना एक और एक पार्ट है इसका ना फ्रेंड्स, इसको अपन बोलते हैं एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स, एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स, एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स बिटवीन सर्विस डिपार्टमेंट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला पार्ट अपना चल रहा है, एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स बिटवीन सर्विस डिपार्टमेंट टू। जैसे सपोज अभी आपने देखा होगा कि जैसे सपोज कोई भी एक प्रोडक्ट अपन लेते हैं, जैसे सपोज आपने आईफोन खरीदा, बराबर, तो ये आपका आईफोन आपने खरीदा, ये आपका आईफोन। अब आईफोन आपने खरीदा तो आईफोन वाले कैसे अपना सेलिंग प्राइस डिसाइड करते होंगे कि भाई पहले उन लोगों ने कॉस्ट ले लिया, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ले लिया एंड एड देयर प्रॉफिट, तो आपका क्या आ गया मिलके सेलिंग प्राइस, आपका कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मिलके आपका क्या आ गया आईफोन का सेलिंग प्राइस आ गया, बराबर। लेकिन आईफोन में क्या रहता है कि आफ्टर द सेल्स अगर कोई प्रॉब्लम आया आईफोन में तो दे दीजिए सर्विस सेंटर, सर्विस सेंटर। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है तो दे दीजिए सर्विस सेंटर्स, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कस्टमर को क्या प्रोवाइड करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। मतलब कस्टमर से ये लोग कुछ भी चार्ज नहीं करेंगे, इनकेस अगर कुछ भी प्रॉब्लम आईफोन में आया, रिप्लेस करना है, रिपेयर करना है, जो भी है उसका कुछ भी चार्ज नहीं है, दैट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अब इसका कॉस्ट कौन देगा, ये सर्विस डिपार्टमेंट का एक्सपेंस कौन देगा, क्योंकि आपने तो कस्टमर से क्या लिया है, आपने कस्टमर से लिया है सेलिंग प्राइस, इट मीन्स योर कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्लस प्रॉफिट, या कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्लस सेलिंग एक्सपेंसेज, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज, सब, मतलब टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मिला के आपने तो सेलिंग प्राइस चार्ज किया है। आर यू गेटिंग मी? अगर इसके बाद अगर सर्विस डिपार्टमेंट कोई भी सर्विस आपको प्रोवाइड करता है, सर्विस डिपार्टमेंट आपको कोई भी सर्विस अगर आपको प्रोवाइड करता है तो उसका पैसा आपको कौन देगा, इसका पैसा आपको कौन देगा, राइट, सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट कौन बियर करेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं फ्रेंड्स कि सर्विस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट का जो भी खर्चा है वो पहले ही हम लोग क्या करते हैं एस्टिमेट करके वी विल एलोकेट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। इट मींस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का खुद का ओवरहेड है प्लस उसको शेयर मिलेगा सर्विस डिपार्टमेंट का, मिलके ये हो जाएगा टोटल कॉस्ट। तो ये टोटल कॉस्ट वो किससे रिकवर करेंगे, कस्टमर से। इसका मतलब सर्विस डिपार्टमेंट एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स बिटवीन सर्विस डिपार्टमेंट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, पहले सर्विस डिपार्टमेंट अपना ओवरहेड एलोकेट करेगा प्रोडक्शन को, प्रोडक्शन का खुद का खर्चा, प्रोडक्शन को सर्विस का खर्चा, फिर वो कस्टमर से लेगा। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है स्टडी मॉड्यूल का, मैंने कवर किया है, आप जरा ध्यान से देखिए, मजा आएगा आपको, ठीक है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 15, पेज नंबर 24, this is from question book and question number 15 page number 3.17 from solution book। ये आपका क्वेश्चन 15 3.17 क्वेश्चन नंबर 15 आपका हो जाएगा पेज नंबर 24, ओके। अब आप आ जाइए फ्रेंड्स वन बाय वन, बहुत ध्यान से ये क्वेश्चन को आप देखिए जरा। ए लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स टू प्रोडक्ट्स ए एंड बी, ये आपका ए लिमिटेड है, उसके पास दो प्रोडक्ट हैं ए एंड बी। आप पूरा ध्यान से मन लगा के पूरे क्वेश्चन को आप समझिए। ए लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स टू प्रोडक्ट्स ए एंड बी। The manufacturing division consists of two production department and two service department. It means ये आपके दो तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हैं और दो आपके सर्विस डिपार्टमेंट है। The manufacturing division consists of two production department, दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हैं P1 and P2 and two service department हैं S1 and S1 and S2। A Limited manufacture two products A and B. The manufacturing division consists of two production department P1 and P2 and two service department S1 and S2. Budgeted overhead rates are used in the production department to absorb factory overhead to the products. The rate of P1 is based on direct machine hours. इसका मतलब इसका रिकवरी किस पर रहेगा? Direct machine hours. And P2 is based on direct labor hours. इसका रहेगा direct labor hours. In applying the overhead, the predetermined rates are multiplied by the actual hours. For allocating the service department cost to production department, the basis adopted is as follows. It means S1, S2 मैंने आपको बताया ना, S1, S2 पहले किसको देंगे? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को. तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का खुद का खर्चा प्लस सर्विस का खर्चा, ये टोटल को किससे रिकवर करेगा? डायरेक्ट मशीन आर्स. ये किससे रिकवर करेगा? डायरेक्ट लेबर आर्स. कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट S1 टू डिपार्टमेंट P1 एंड P2, ये P1 एंड P2 को इक्वली एलोकेट करेगा. और cost of department S2 to department P1 P2 in the ratio of 2:1. P1 को 2 और ये 1. The following budgeted and actual data are available at annual profit plan data, factory overhead budget and departments 1 and 2, S1 and S2. Budgeted output in units, product A 50,000, product B 30,000. Budgeted raw material cost A and B. Budgeted time required for the production per unit, department P1, product A 1.5, product B 1. Department P2, product A 2 hours, product B 2.5. Average wage rate budgeted in department P2 are product A 72 rupees per hour, product B 75 rupees. All material used in department P1 only. Actual data for the month of July 2016. Units actually produced, product A 4,000, product B 3,000. Actual direct machine hours worked in department P1 on product A 6100, B 4150. Actual direct labor hours worked in department P2, product A 8200, product B 7400. Cost actually incurred, product A, B, raw material, wages, overheads, department P1, P2. Compute the predetermined overhead rate for each production department. Prepare a performance report for July 2016 that will reflect the budgeted cost and actual cost. That will reflect budgeted cost and actual cost. See as an office. Okay. सबसे पहले क्या बोला? कंप्यूट द प्रीडिटरमाइंड ओवरहेड फॉर ईच प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. कौन कौन से प्रोडक्ट डिपार्टमेंट है? P1 एंड P2. P1 किसके ऊपर है? बेस्ड ऑन मशीन आर्स. P2 किसके ऊपर है? बेस्ड ऑन लेबर आर्स. ये आपका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? छोटू 1. इट मीन्स आंसर नंबर छोटू 1. Statement showing overhead recovery rate. Statement showing overheads recovery rate. Statement showing overheads recovery rate. Department P1 recovery rate equal to budgeted overheads, budgeted overheads. Refer नोट नंबर छोटू 1 डिवाइडेड बाय बजटेड मशीन आवर्स, बजटेड मशीन आवर्स. रिफर नोट नंबर 2. ओके, ये किसका हो जाएगा? डिपार्टमेंट P1 का रिकवरी रेट. देन डिपार्टमेंट P2 रिकवरी रेट इक्वल टू बजटेड overheads divided by budgeted labor hours. Budgeted labor hours. This is your note number 1. This is your note number 2. It means ये आपका हो जाएगा for P2 का recovery. सही है सोना फ्रेंड्स, परफेक्टली आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो रहा है. वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है मॉड्यूल का. स्टेटमेंट शोइंग ओवरहेड्स रिकवरी रेट, स्टेटमेंट शोइंग ओवरहेड रिकवरी रेट, डिपार्टमेंट P1 रिकवरी रेट इक्वल टू बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड मशीन आवर्स. रिफर नोट नंबर 1, नोट नंबर 2. ओके, डिपार्टमेंट P2 रिकवरी रेट इक्वल टू बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय budgeted labor hours, note number 1, note number 2, P2, right? And this is your recovery. सही है सुनो, ये आपका P1, ओके, और ये आपका P2. परफेक्टली क्लियर. ओके, नो कन्फ्यूजन. अब आप आ जाइए नोट नंबर 1. नोट नंबर 1 इज ए स्टेटमेंट शोइंग एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स. ओके, दिस इज योर नोट नंबर 1. स्टेटमेंट शोइंग allocation of overheads. Okay. Particulars basis of allocation service department production department. S1, S2, P1, P2. Okay. First is a overheads which is given all figure in rupees. Overheads क्या दे रखा है friends? आपको देखो जरा, आपको overheads दे रखा है. एनुअल प्रॉफिट प्लान डाटा, फैक्ट्री ओवरहेड बजटेड फॉर द ईयर, प्रोडक्शन का है 2550, $2,175, 6 lakhs, 4,50,000. आपको गिवन है ओवरहेड 6 लाख रुपीज फॉर S1. ओके, स्टेटमेंट शोइंग एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स, पर्टिकुलर्स बेसिस ऑफ एलोकेशन, सर्विस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन. सर्विस दो है, S1, S2, P1, P2. ओवरहेड्स अपने को दे रखे हैं. अब ये सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा कौन देगा? तो सर्विस डिपार्टमेंट पहले अपना खर्चा किसको एलोट करेगी? प्रोडक्शन को. प्रोडक्शन को खुद का खर्चा रहेगा, सर्विस का रहेगा, टोटल मिलेगा. वो रिकवर करेगा किससे रिकवर करेगा? कस्टमर से. ओके, तो सबसे पहले दिस इज योर री एलोकेशन. S1, P1, P2 in the ratio of 1:1. 6 lakhs ये हो जाएगा 3 lakhs और ये हो जाएगा 3 lakhs से या चलो ओके. देन S2 P1 P2 2:1 क्या हो जाएगा 4,50,000 into 2/3, 3 lakhs, 1,50,000. It means 2,550 plus 300 plus 300 is 3,150. 2775. Sorry. 2175 plus 300 plus 150. 2625. 6 आंसर क्या हो जाएगा आपका. स्टेटमेंट शोइंग एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स, पर्टिकुलर्स, बेसिस ऑफ एलोकेशन, सर्विस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ओवरहेड गिवन S1, S2, P1, P2, रीएलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स S1, P1, P2, S2, P1, P2, 6 lakhs, 3 lakhs, 3 lakhs, 4,50,000, 3 lakhs, 1,50,000. इट मींस आपका टोटल ओवरहेड एलोकेट होके आ गया 31,250 एंड 2625. ये इनका इंडिविजुअल था, ये S1 ने दिया, ओके, ये S2 ने दिया और ये जो एक्सपेंस है ये हम किससे रिकवर करेंगे, प्रोडक्ट से, मतलब कस्टमर से रिकवर करेंगे. 3150 एंड 2625. इट मींस 3150 2625. 3150 and 2625. अब आप आ जाइए फ्रेंड, दूसरा क्या बोल रहे हैं, द फॉलोइंग बजटेड एंड एक्चुअल डाटा आर अवेलेबल, एनुअल प्रॉफिट, प्लान डाटा, फैक्ट्री ओवरहेड आपको दे रखा है. बजटेड आउट इट मीन्स अपन को नोट नंबर 2 बजटेड मशीन आवर्स. इट मीन्स योर नोट नंबर 2 योर budgeted machine hours, budgeted machine hours, products, units, budgeted hours पर यूनिट या बजटेड मशीन आवर्स पर यूनिट, बजटेड मशीन आवर्स पर यूनिट, टोटल बजटेड मशीन आवर्स, प्रोडक्ट्स. कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं फ्रेंड्स अपने पास, इस ए एंड बी. डिपार्टमेंट है P1. यूनिट्स हैं अपने पास बजटेड 50,000 ए, 30,000 ऑफ बी, ओके. और बजटेड टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन पर यूनिट डिपार्टमेंट P1 1.5 मशीन आवर्स, 1 मशीन आवर्स. इट मींस 75, 30, 75, 30 is 1,05,000. Then you go to P2, A, B, units 50,000, units 30,000. एक यूनिट को बनाने में 2 and 2.5 hours. It means 1,75,000. सही है सारा फ्रेंड्स, ये आपका हो जाएगा 105. आपको ए बी दो तरह की यूनिट्स हैं, दो प्रोडक्ट हैं अपने पास, यूनिट्स हैं 50,000 30,000, आर्स पर यूनिट 1.51 75 एंड 30. ए बी 50,000 30,000 2.5 1,75,000 175 एंड 105. ओके, सो ये डिवाइड हो जाएगा 105 से, ये हो जाएगा 175 से. इट मीन्स दिस इज योर 105 and 175. It means 31,50,000 divided by 105 is 30 rupees per hour, 2625 divided by 1,75,000 is 15 rupees per hour. So you have some numbers. 30 rupees per hour P1 and 15 rupees per hour P2. इट मीन्स आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पहला, ये आपके दो सर्विस डिपार्टमेंट है, इनको आपको P1 P2 को अपना ओवरहेड ट्रांसफर करना पड़ेगा, फिर आपका जो ओवरहेड है वो आपका रिकवर हो जाएगा. सही है सर? देन ये आपका ओवरहेड पूरा की पूरा आपको रिकवर हो जाएगा. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मीन्स खुद का एक्सपेंस प्लस सर्विस डिपार्टमेंट का, खुद का एक्सपेंस सर्विस डिपार्टमेंट का. दिस इज बेस्ड ऑन मशीन आर्स, दिस इज बेस्ड ऑन लेबर आर्स. वो बजटेड लेबर आर्स, मशीन आर्स हम लोगों ने निकाल लिया, बजटेड प्रोडक्शन, आर्स पर यूनिट ये आपका हो गया, यूनिट्स आर्स ये आपका हो गया, और एक बात सही है सर, परफेक्टली क्लियर हो. सेकंड में अपने से क्या पूछ रहा है, ये आपका आंसर नंबर 1 हो गया. प्रिपेयर ए परफॉर्मेंस रिपोर्ट फॉर जुलाई 2016 दैट विल रिफ्लेक्ट द बजटेड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट. बजटेड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट परफॉर्मेंस रिपोर्ट आपको बनाना है. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के टाइम पे मैंने आपको बताया था मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड, मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड इज ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन. ओके, अब आप बना लीजिए स्टेटमेंट शोइंग परफॉर्मेंस रिपोर्ट. इट मींस दिस इज योर आंसर नंबर 2, आंसर नंबर 2, statement showing performance, statement showing performance report for July 2016. Statement showing performance report for July 2016. Okay friends, this is product A, B, actual production. Actual production equal to 4,000 units and 3,000 units. Budgeted cost, actual cost, बजटेड कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट. सही है सर, ऑल फिगर्स इन रुपीज। ओके, अब आप आ जाइए फ्रेंड्स, क्या बोल रहे हैं अपने को, फर्स्ट इज ए डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल्स, एक्चुअल कॉस्ट इज 489 ऑफ ए और 456 ऑफ बी, दिस इज गिवन, ओके, एंड दिस इज गिवन, and this note number 1 and note number 2 1 and 2. Okay, then direct labor cost, what is the direct labor cost given, 591,900, 5,52,000. Okay, this is 591,900. This is given. Okay, this is your note number, note number 1 refer, and this is your note number 2, note number 2 ये आपका हो जाएगा प्राइम कॉस्ट 89,591.9, 1080,900, 456 plus 552, 10,08,000. यहाँ तक फ्रेंड्स आपको क्लियर हुआ कि नहीं, 10,80,900 एंड 10,08,000. परफेक्ट, अप टू प्राइम कॉस्ट तक नो प्रॉब्लम. ओके, बोलो आगे. Say yes or no. Perfect. Then you come to indirect cost. Department P1, Department P2. A, B. Budgeted cost, actual cost, budgeted cost, actual cost. See yes or no. Okay, बजटेड कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट। ओके, बजटेड कॉस्ट के लिए रिफर नोट नंबर 3। नोट नंबर 3, नोट नंबर 3, नोट नंबर 3। और दैट के लिए नोट 4, नोट 4, नोट 4, नोट 4। This will be your factory cost। सही है सर। ओके, आप आ जाइए फ्रेंड्स, दिस इज योर नोट नंबर 1, बजटेड कॉस्ट। बजटेड कॉस्ट ऑफ, बजटेड कॉस्ट ऑफ मटेरियल, बजटेड कॉस्ट ऑफ मटेरियल। प्रोडक्ट्स ए, बी, यूनिट्स, बजटेड कॉस्ट पर यूनिट एंड बजटेड कॉस्ट। ऑलराइट, यूनिट्स आर 4000 of A, 3000 of B. Units are 4000 of units of A, 3000 units of B. Now, what is the budgeted material cost per unit? The budgeted cost of material per unit is given. देखो जरा पेज नंबर 24 पे दे रखा ना, budgeted output in units A and B. Budgeted raw material cost is 120 and 150. So yes or no friends? So your total will be 120, and it means total will be 4000 into 120 is 480, 3000 into 150 is 450, 480 and 450. Okay. Then 480 and 450. So this is 480 and 450. 480 and 450. Then you go to direct labor cost. It means note number 2, direct labor cost, products, units hours per unit, rate per hour will be total. Product A, B, units 4000, 3000, hours per unit, labor hours 2.5, and rate per hour 2.5, 72 and 75. It means 4000 into 2 into 72, 576, 3000 into 2.5 into 75, 562, 500. $576 and $562, 500. 480 plus 576 is 10,56,000. 450 plus 562.5, 10,12,500. So yes, 10,56,000, 10,80,000, 900, 10,12,500, and 10,08,000. What are they asking in the question? Prepare a performance report that will reflect the budgeted cost and actual cost. आपका budgeted cost कितना है? आपका budgeted cost material का था 480, actual में 489, budgeted 576, actual this, budgeted this, actual this, budgeted this, actual this. Prime cost आपका this, this, prime cost आपका this and this. That will reflect the budgeted cost and actual cost. That will reflect the budgeted cost and actual cost. So this is your statement showing performance report. Statement showing performance report for July 2016. Actual production A and B, 4,000, 3,000 units, budgeted cost, actual cost, budgeted cost and actual cost. Say yes or no. Now you go to indirect cost. This is your note number 1. Factory overheads. Department P1, products A, B, budgeted machine hours into recovery rate equal to budgeted overheads. Department P2, A and B, budgeted labor hours into recovery rate, budgeted overhead. Budgeted machine hours, budgeted labor hours into this. Yes, perfectly clear or not? Okay. Now budgeted machine hours. It means we are producing 4,000 units. B का we are producing 3,000 units. Into budgeted machine hours 1.5 and 1, and this is 2 and 2.5 into what is the recovery rate. हम लोगों ने कैलकुलेट किया था ना रिकवरी रेट. रिकवरी रेट 30 रुपीज एंड 15 रुपीज. $4,000 into 1.5 into 30, 180. 3,000 into 30, 4,000 into 2 into 15, 3,000 into 2.5 into 15, सही आंसर होगा फ्रेंड्स 180, 90, 120 एंड 112, 500. 180 एंड 90. सही आंसर होगा फ्रेंड्स 180 एंड 90. $180 and $90, $120 and $112, $500. Say yes or no. And $112, $500. Now you go to note number 4. Actual overheads. Products. Actual hours into actual recovery rate equal to actual overhead. P1 products A and B, P2 products A and B. Actual hours 6100, 6100, 4150. दिस इज योर एक्चुअल आवर्स. कौन से हैं? मशीन एक्चुअल आवर्स. ये कौन से हैं? लेबर में कितना है? 8200, 7400. 8200, 7400 into एक्चुअल रिकवरी रेट. अब एक्चुअल रिकवरी रेट के लिए यू कैन प्रिपेयर ओके note number A. This is your note number A. Statement showing actual recovery rate. Statement showing actual recovery rate. Department P1, products A, B. Sorry, actual recovery rate. Department P1. Actual overheads divided by actual machine hours. Actual overheads divided by actual machine hours. Actual overhead के लिए you refer note B and this is given. Actual machine hours is given 6100, 4150. is 10,250. Then P2 actual overheads divided by actual labor hours. Note number B, and this is given. What is given? 82007400. is 15600. ओवरहेड अपन निकाले. यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं फ्रेंड्स? बोलो. डिपार्टमेंट P1 एक्चुअल रिकवरी रेट मीन्स एक्चुअल ओवरहेड्स, नोट नंबर B, divided by actual hours. Actual hours is given. P2 actual overheads divided by actual labor hours, note number B given. This is given. से क्लियर हो नोट फ्रेंड्स. अब आप आ जाइए, दिस इज योर एक्चुअल रिकवरी रेट आ जाएगा आपका, नोट नंबर स्टेटमेंट showing actual overheads, and this is allocation. ये डायरेक्ट एलोकेशन कर रहे हैं हम लोग सर्विस डिपार्टमेंट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. पर्टिकुलर्स बेसिस सर्विस S1, S2, P1, P2. Service department, production department, okay. Overheads given. What are the actual overheads given? 231, 204, 231, 204, 231 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का है. 231, 204, 60, 48. 231, 204, 60 and 48. Reallocation. S1, P1 and P2 in the ratio of 1:1. 60, 30, 30. S2, P1 and P2 2:1. 48. 48/3 × 2 is 32 and 16. 231, 30, 32. 293. 204, 30, 16 is 250,000. Yes or no? 250 and 293. 293 and 250. It means 293 divided by 10250 is 28.59. then 250 divided by 15600 is 16.02. This is 28.59. And this is 16.02. It means 6100 into 28.59, 174,399. This comes to 174,399. 4150 into 28.59 is 118,648. 8200 into 16.02, 131,364. 7400 into 16.02. 118,548. 118,548, 131,364, 174,399, 118,649. Four 150 into 28.59. 118,649. सही आंसर ना फ्रेंड्स. ओके 174,399 एंड 118,649. देखो जरा वन 174,399 118,649 131,364 131,364 and 118,540. One 118 Alright friends, 118,548. So 118,548. Alright, now you take the total 10,56,000. 10,80,900. 10,80,900. 10,12,500 10,08,000. Okay, so total will be 10,56,000 plus 1,80,000 plus 1,20,000 is 13,56,000. Ten 80,900 174,399 131,364 13,86,663 10,12,500 plus 90,000 plus 112,500 is 12,15,000. 10,08 118,649 118,548 is 12,45 197. Say yes or no. Perfectly clear. This is your cost. ये आपका क्या हो जाएगा बजटेड कॉस्ट और ये आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स बोलो, ये बजटेड कॉस्ट, ये ए का एक्चुअल कॉस्ट, ये बजटेड कॉस्ट, ये ए का एक्चुअल कॉस्ट. परफेक्टली क्लियर. दिस इज द वन मेथड जहां पे हम लोगों ने क्या किया था, डायरेक्टली रीएलोकेट किया है, मतलब डायरेक्ट रीएलोकेट किया है इसको ना हम लोगों ने. यहाँ पे क्या किया है डायरेक्ट री एलोकेट किया है इसको. क्या किया है डायरेक्टली री एलोकेट मीन्स यहाँ पे दो सर्विस डिपार्टमेंट थे S1 और S2. S1 S2 को P1 में डाला एंड P2 में डाला इन द रेशियो 1:1. इसको P1 में डाला, इसको P2 में डाला इन द रेशियो 2:1. सही है सर. परफेक्टली क्लियर होना. ऑलराइट बोलो एकदम आपको क्लियर हो रहा है प्रॉपरली कि नहीं हो रहा ये बताइए. रियल डायरेक्टली. नेक्स्ट आपको लेके चलता हूँ फ्रेंड्स, ये भी आपके मॉड्यूल में दे रखा है और एग्जाम में भी आया हुआ है, स्टेप लेडर 1 by 1 1. मतलब कभी कभी क्या रहता है कि सर्विस डिपार्टमेंट को भी कुछ हेल्प करता है, तो सर्विस डिपार्टमेंट सर्विस से लेगा, फिर सर्विस डिपार्टमेंट प्रोडक्शन से लेगा. ओके तो देखो जरा दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 16. ऑलराइट फ्रेंड दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 16 पेज नंबर 25 फ्रॉम क्वेश्चन बुक. स्टेट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 पेज नंबर 3.18 फ्रॉम सॉल्यूशन बुक 3.19 लिख लो आप यहाँ 3.19. ओके इसमें क्या रहेगा सर्विस डिपार्टमेंट सर्विस को भी देगा और फिर प्रोडक्शन से लेगा. सही है सर. परफेक्टली क्लियर. क्वेश्चन नंबर 16. Deccan Manufacturing Limited has 3 departments. Deccan Manufacturing Limited has 3 production department, 3 departments which are regarded as a production department. 3 production department है, 3 department है, 3 production department है. Deccan Manufacturing Limited has 3 departments which are regarded as a production department. Service department core are distributed to these production department using step ladder method. Step ladder method means 1 by 1 1 by 1 आपको step by step down होते चला जाना है. Say yes or no. Step ladder. Service department costs are distributed to these production department using the step ladder method of distribution. Estimate the factory overhead cost to be incurred by each department in the forthcoming year are as follows. Data required for distribution is also shown against each department. Okay. अपने पास डिपार्टमेंट है XYZ, फैक्ट्री ओवरहेड, डायरेक्ट लेबर आवर्स, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, एरिया स्क्वायर मीटर्स एंड सर्विस डिपार्टमेंट PQRS, overheads, direct labor hours, number of employees in this. The overhead of cost of 4 department are distributed in the same order. It means P का जाएगा Q R S X Y Z, Q का जाएगा R S X Y Z और S का जाएगा X Y and Z. PQRS का R का S X Y and Z. The overhead cost of the 4 service department are distributed in the same order P, Q, R, and S respectively on the following basis. Department P, number of employees, Q, direct labor hours, R, area and square meters, S, direct labor hours. You are required. Prepare a schedule showing the distribution of overhead cost of the 4 service department to 3 production department and calculate the overhead cost recovery date per direct labor hour in the 3 प्रोडक्ट. पहला क्या बोला है ए, पार्ट ए देखिए आप, प्रिपेयर ए शेड्यूल शोइंग, प्रिपेयर ए शेड्यूल शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड ऑफ दी 4 production department to 3 production department. Say yes or no. Statement showing allocation of overheads. Answer number A. Statement showing allocation of overheads by मेथड है आपका स्टेप लैडर. Particulars basis of allocation service department प्रोडक्शन डिपार्टमेंट PQRSXYNZ ओवरहेड्स गिवन. P का 45, 75, 1,05,000, 30, 193, 64, 83. 45, 75, 105, 30, 193, 64, 83. Reallocation P क्या बोल रहे हैं? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज व्हाट आर द नंबर. मीन्स पहला क्या बोला है उसने? सेम ऑर्डर में अपने को जाना है. पी पी किसको देगा? QRSXYZ स्टेप लेडर. PQRSXYZ. Q किसको देगा? RSXYZ स्टेप बाय स्टेप. S किसको देगा? XYZ. ये XYZ स्टेप बाय स्टेप अपने को जाना है. सही है सोनोवर्स. किस रेशो में जाना है? इन द ओवरहेड कॉस्ट ऑफ द 4 सर्विस डिपार्टमेंट आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सेम ऑर्डर. जो ऑर्डर ये आपका है PQRS, इसी ऑर्डर में आपको पूरा ओवरहेड को एलोकेट करना है. पूरा ओवरहेड को एलोकेट करना है. ओवरहेड इज गिवन. व्हाट इज द ओवरहेड? इज ए रीएलोकेशन ऑफ P नंबर ऑफ एम्प्लॉइज. व्हाट आर द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आप ढूंढिए फ्रेंड्स. नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 50, 40, 50, 100, 125 एंड 85. It means 50, 40, 50, 100, 125, 85, 450, 450. It means 45. 45,000 divided by 450, 100. It means 5,000, 4,000, 5,000, 10,000, 12,500 and 8,500. Say yes. It means ये आपका हो गया आउट. ओके, अब आप आ जाइए रीएलोकेशन ऑफ क्यू. क्यू क्या बोल रहा है? इन द रेशियो ऑफ क्यू डायरेक्ट लेबर आवर्स. Direct labor hours. What are the direct labor hours? 6,000 is to 3,000. It means R, S और XYZ का 4,000 is to 3,000 and is to 4,000. 6 plus 3 plus 4 plus 3 plus 20,000. It means this is total your it means 80,000. 6,000 plus 3,000 plus 4 plus 3,000 plus 4,000 is 20,000. ये सब का टोटल मिला के 20,000 इस प्रोपोर्शन में वो चला जाएगा. राइट, इट मीन्स 24. इट मीन्स 24 24 18 24 24 12 16 12 and 16. 24 plus 12 plus 16 plus 12 plus 16, 80,000. Total 105 plus 4 plus 4 plus 24 is 133. Is 133. Say yes. 133. Okay. Same basic step ladder means step by step. ये step यहाँ यहाँ यहाँ, ये step यहाँ यहाँ यहाँ. अब आपका बच्चा P भी चला गया, Q भी चला, R and S. Okay. So particulars, basis, P, Q, R, S, X, Y, Z. X, Y, Z, P, Q, R, S. Okay. Now, रीएलोकेशन आर. आर क्या बोल रहा है? एरिया स्क्वायर मीटर्स. एरिया इन square meters, area in square meters, area in square meters are, it means 1000 is to 3000 plus 3000 is to 1500 is to 1500, 1000, 3000, 1500, 1500, 7000. ओके, और अपना ओवरहेड है इसका PQR का 133 अपना था ना, 133 को एलोकेट करना है, 133 divided by 7 and multiply by, it means 19,000, 57,000, 28,500 and 28,500. So yes, 28,500, 27,000. अब आपका ये 133 भी चला गया. सही है सुनो फ्रेंड्स, स्टेप लेटर. ओके, आपका पी भी आउट हो गया, क्यू भी गया, आर भी गया, एस. अब एस में आ जाइए, एस का टोटल देखो जरा. इट मीन्स 30,000 प्लस 5,000 प्लस 12,000 प्लस 19,000 is 66,000. It means total हुआ इसका 66. अब 66 को रिएलोकेट करेंगे अपन. Reallocation of S, reallocation of S, reallocation of S क्या बोल रहा है? डायरेक्ट लेबर आवर्स, reallocation डायरेक्ट लेबर आवर्स. व्हाट आर द डायरेक्ट लेबर आवर्स? 4,000, 3,000, 4,000, 4,000, 3,000, 4,000. It means 66 divided by 11 into 4, 24, 24, 18, 24, 24 and 18 is 66. This is your total overheads. It means 193 plus 10 plus 16 plus 57 plus 24 is 3 lakhs. 64, 125, 12 plus 28.5 plus 18 is 64 plus 12,500 plus 12,000 plus 28,500 plus 18,000, 135. Then 83,000, 8500, 16,000, 28,500, 24,000 is 160. सही है सर. दिस इज योर आंसर नंबर 1. एलोकेशन ऑफ ओवरहेड इज 3,135,160. एलोकेशन ऑफ ओवरहेड, दिस इज अ एलोकेशन ऑफ overheads. This is your total overheads. Okay. Then you go. Second क्या पूछ रहा है? Calculate the overhead recovery rate per direct labor hour for each of the three production department. It means answer number B. Statement showing recovery rate department A X Y Z recovery rate equal to total overheads divided by labor hours. Total overheads is 3,135,160. 3,135,160. 3,135,160 divided by labor hours 4,000. 3,000 75 per hour 45 per hour 40 rupees per hour. ये आपका क्या रहा है स्टेप लेडर मींस स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसमें नीचे गए स्टेप लेडर मेथड फॉर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स. स्टेप लेडर मेथड मींस स्टेप बाय स्टेप वी आर गोइंग फॉर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स. सही है सर. स्टेप बाय स्टेप वी आर गोइंग फॉर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स. परफेक्टली क्लियर. ओके एक और मैं आपको कराता हूं फ्रेंड्स. इसमें क्या रहेगा कि योर ये आपका सर्विस डिपार्टमेंट है. सर्विस ये आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है. अब सर्विस इसको दे रहा है, ये इसको दे रहा है, ये वापस इसको दे रहा है, ये वापस इसको, मतलब सर्विस भी आपस में रीएलोकेट करते रहते हैं. ओके तो इसके लिए क्या करेंगे, या तो रिपीटेड रिडिस्ट्रीब्यूशन करते रहो आप करके, या साइमल्टेनियस इक्वेशन से, या ट्रायल एंड एरर मेथड भी बोलते हैं इसको, कैसे भी अपन कर सकते हैं. बहुत अच्छा समय, ये भी आप जरा देख लीजिए. एंड दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 17 पेज नंबर 26 फ्रॉम क्वेश्चन बुक. क्वेश्चन नंबर 17 एंड योर पेज नंबर 3.20 फ्रॉम Solution book. Question number 17, page number 26 from question book. Question number 17, page number 3.20. ठीक है, देखिए जरा इसमें सर्विस डिपार्टमेंट आपस में भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे करके ना. देखिए जरा, ए फैक्ट्री कंप्राइजेस 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड 3 सर्विस डिपार्टमेंट फॉर द मंथ ऑफ जुलाई. The direct departmental expenses were as follows. Production department दो हैं A and B. Service department power house, stores and repair. Expenses आपको given है. The expenses of service department distributed as a percentage basis as under. Power house को 25%, repair को 25%, department A को 50 to B. Stores 10% to power, 20% to repair shop, 30% to A, 40% to B. Repairs of 22 power, 32 A and 52 B. Prepare a statement showing the distribution of service department expense to production department using simultaneous equation method. आपको क्या लेना है? Simultaneous equation method. सही है सुनो. कैसे करेंगे? पहले गिवन करके लिख लेते हैं अपन. It means statement showing allocation of overheads. Okay. Particulars, basis of allocation. पहले फॉर्मेट बना लेगा ऑलवेज एग्जाम में ना. देन ऑलवेज फर्स्ट यू टेक सर्विस डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट, देन यू टेक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. ओके, पावर हाउस, पावर हाउस, स्टोर, रिपेयर, ए बी. ओके, overheads given. How much is the powerhouse cost? Production department 85 and 70,000. Powerhouse 47, 350, 15,000, 6,500. सही है सर. ये आप टोटल दे रखा है. पहले क्या करने का एग्जाम में कभी भी मिलेगा तो दिस इज योर स्टेटमेंट शोइंग एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स, पर्टिकुलर्स, बेसिस ऑफ एलोकेशन, सर्विस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, पावर हाउस, स्टोर्स, रिपेयर, ए एंड बी. ओवरहेड गिवन 47, 15, 60 एंड ये आपको इन रुपीस आपको ओवरहेड्स दे रखे, इन रुपीस आपको ओवरहेड्स दे रखे. ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखो पावर हाउस रिपेयर को दे रहा है और डिपार्टमेंट ए को दे रहा है, डिपार्टमेंट बी को दे रहा है. स्टोर पावर हाउस को दे रहा है, रिपेयर को दे रहा है, ए को दे रहा है, बी को दे रहा है. फिर रिपेयर पावर को दे रहा है, ए को दे रहा है, बी को दे रहा है. इसका मतलब स्टोर को कोई वापस नहीं दे रहा. स्टोर तो एक ही बार में आउट हो रहा है तो स्टोर को तो आउट कर सकते हैं अपन. स्टोर किसी को रजिस्ट्री, रिपेयर पावर को दे रहा है, पावर रिपेयर को दे रहा है, लेकिन स्टोर अगर आप देखोगे तो स्टोर एक ही बार में आउट है तो पहले स्टोर को ले लेते हैं. ओके, दिस इज योर रीएलोकेशन. इसका स्टोर्स का क्या बोल रहा है, स्टोर्स, स्टोर्स 10% टू पावर, पावर रिपेयर ए एंड बी. पावर 10%, रिपेयर 20, 30 एंड 40. इट मीन्स 15,000, 1,500, 3,000, 4,500 and 6,000. 15,000, right? 10% पावर में गया, 20% रिपेयर में गया, 30% ए में गया, 40%. इसका मतलब ये आउट हो गया आपका ना, इसका नामो निशान खत्म हो गया. अब आपको क्या बचा, 47,350 प्लस 1,500, 48,850. ये आपका 6,500 प्लस 3, 63,500. 85 प्लस 4500 89,576। अब आपका प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि पावर रिपेयर को दे रहा है, रिपेयर वापस से पावर को दे रहा है, पावर वापस से रिपेयर को दे रहा है, रिपेयर वापस से। तो या तो आप रिपीटेड रिडिस्ट्रीब्यूशन करते जाओ एंड तक, 1 रुपी तक आप करते जाइए, ये इसको दो, वो उसको देगा, वो उसको देगा, वो उसको, इसको ट्रायल एंड एरर भी बोलते हैं। या फिर साइमल्टेनियस इक्वेशन से एक ही शॉट में आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसने पूछा भी है, अगर नहीं पूछा होता तो आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। मतलब आप इसको रिपीटेड करते जाइए, मतलब पावर को रिपेयर को दो, रिपेयर को पावर को दो, पावर को रिपेयर, तो वो आप करके देखेंगे तो सेम आंसर आपको मिलेगा। ओके, आ जाइए। दिस इज योर री reallocation refer note number 1, reallocation refer yes sir, this is your नोट नंबर 1। क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, P इक्वल टू टोटल ओवरहेड्स ऑफ पावर हाउस और R इक्वल टू टोटल ओवरहेड्स ऑफ रिपेयर। P इक्वल टू टोटल ओवरहेड्स ऑफ पावर हाउस एंड R इक्वल टू टोटल ओवरहेड्स ऑफ रिपेयर। इट मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ P। P का आपको क्या वैल्यू दे रखा है, P का वैल्यू दे रखा है 48,850, 48,850 प्लस क्या बोल रहा है, पी को कितना मिलेगा, रिपेयर बोल रहा है 20% मैं पी को दूंगा, इट मींस 1/5 ऑफ आर, और आर बोल रहा है 63,500 और आर बोल रहा है पावर हाउस बोल रहा है 1/4 में दूंगा पी, पी से मिलेगा 1। ये क्लियर हुआ कि नहीं? अगर आपको ये इक्वेशन समझ में आ गया तो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा करके ना। पी इक्वल टू टोटल ओवरहेड ऑफ पावर हाउस, आर इक्वल टू टोटल ओवरहेड्स ऑफ रिपेयर, पी इक्वल टू 48,850 प्लस 1/5 ऑफ आर, और आर इक्वल टू 63,500 प्लस 1/4 ऑफ पी। सही आंसर। दिस इज योर नोट नंबर 1। परफेक्टली क्लियर होना। It means your P equal to 48,850 plus 1/5 of 63,500 plus 1/4 of P. So P equal to 48,850 plus 63,500 divided by 5, 12,700, 1/20 of P. P minus 1/20 of P equal to 48,850 plus this 61,550, and then P equal to 64,789। ये क्लियर हुआ फ्रेंड्स? बोलो। P इक्वल टू, P का तो खुद का शेयर है 48 प्लस 1/5 ऑफ R का वैल्यू ये है, R का वैल्यू क्या है, ये है P 48,850 प्लस ये आपका आ जाएगा। परफेक्टली क्लियर। अब आप आ जाइए, P का वैल्यू आ गया 64,789. नाउ व्हाट इज द R का वैल्यू? इट मींस योर R इक्वल टू क्या बोला है 63,500 प्लस 1/4 ऑफ P. P का वैल्यू क्या आ गया 64,789. $64,789 divided by 4 plus 63,500 is 79,697. 79,697 सही है सर. ये आपका आ गया 63,500 प्लस 1/4 ऑफ 64,789 79,697. सही है सब, परफेक्टली क्लियर हो. आपको क्लियर हो रहा है फ्रेंड्स? बोलो ओके. अब इसका वापस से अपन कर लेंगे रीएलोकेशन. P. P का वैल्यू क्या दे रखा है 64,789. ओके, और ये जाएगा R A N B. अब R में कितना जाएगा? पावर हाउस 64,789, 25% फॉर रिपेयर, 25 टू A, then 50 to B, 25 to A. Okay, so 64,789 into 25%, 16,197, 16,198, 32, 394. Okay, then you go for R. R का क्या दे रखा है? ओवरहेड टोटल R का 79,697. This should divide in the ratio of P A and B. R क्या बोला है 20% goes to this, 30% goes to this and 50% goes to this. 79,697 into 20 is 15,939 into 30 by 20 is 23,909 plus 39,849. और ये है वो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये तो ऑलरेडी एलोकेट हो चुके. ये है वो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बोलो, ये है वो क्या हो जाएगा? कैंसिल, क्योंकि ये ऑलरेडी एलोकेट हो चुके, इस अमाउंट में आ चुके वो अमाउंट. ओके, आपके पास बैलेंस बचेगा दिस 1 2 3 एंड 4. ये चारों का टोटल आपका मैच होना चाहिए. तो देखो जरा, दिस इज 16,198, 16,198 प्लस 32,394, 16,198 plus 32,394, 23,909, 39,849. और ये चारों का टोटल इनके साथ टैली होना चाहिए. इसका मतलब 48,850 प्लस 63,500 माइनस 16,198. 48,850 प्लस 63,500 माइनस 16,198, 23,909, 32,394, 38,849. Say yes or no friend. ये आपका टैली होना चाहिए. This one is 39. Okay, total will be, it means 48,850, 63,500. ये इसका टोटल दोनों का ये होना चाहिए 48,850 प्लस 63,500 का टोटल 1,234 होना चाहिए. माइनस 16,198, 23,909, माइनस 32,394, माइनस 39,849. यस, अब आपका आ गया 89,500, 16,198, 23,909 is 129,607. Then 76 plus 32,394, 39,849 is 148,243. Say yes or no. 148,243 and 129,607. ठीक, परफेक्टली क्लियर हो, बोलिए. ओके, अगर आप ऐसे नहीं करते तो आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करते जाइए. 48 को लेके ये 3 में करो, फिर रिपेयर का आएगा तो इसमें पावर में करो, पावर को रिपेयर में करो, रिपेयर को पावर में, पावर को रिपेयर में. अल्टीमेटली फाइनल आंसर आपका सेम आएगा. आप कोई भी एक मेथड से करो, आपका आंसर तीनों में क्या आएगा, सेम आएगा आपका. आप कुछ भी करो, आपका आंसर तीनों में क्या आएगा, आपका आंसर तीनों में आएगा सेम. सही है सर, परफेक्टली क्लियर. तो इतना आप करिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं. ठीक है.